खंडवा में 3.5 लाख से ज्यादा रुद्राक्षों से बनाया शिवलिंग 24 घंटे 59 दिनों तक अखंड ओम नमः शिवाय जाप से होगा अभिमंत्र। आइए जानते हैं क्या है इस खप के बारे में। मध्य प्रदेश के खंडवा में सावन में अनोखा अनुष्ठान अति प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर पर बना रुद्राक्ष का विशाल शिवलिंग। 3.5 लाख से ज्यादा रुद्राक्षों से बना शिवलिंग 24 घंटे 59 दिनों तक अखंड ओम नमः शिवाय जाप से अभिमंत्रित होंगे। रुद्राक्ष सावन समापन के दिन श्रद्धालुओं को वितरित किए जाएंगे। रुद्राक्ष पवित्र श्रावण माह में शिव भक्त अपने आराध्य भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन एमपी के खंडवा में स्थित अति प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर पर एक अनोखा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, जिसमें नेपाल से लाए गए लगभग 3.5 लाख रुद्राक्षों से विशाल शिवलिंग का निर्माण किया गया है। श्रावण की शुरुआत के साथ ही यहां अखंड ओम नमः शिवाय शुरू हो गया है, जो 24 घंटे 59 दिनों तक सतत जारी रहेगा। अनवरत चलने वाले इस जाप से उन लाखों रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जा रहा है, जिनका वितरण सावन के समापन पर किया जाएगा। मंदिर के पुजारी पंडित अश्विन खेड़े ने बताया कि नेपाल से लाए गए 3.5 लाख से अधिक रुद्राक्षों से विशाल शिवलिंग का निर्माण किया गया है। यह लाखों रुद्राक्ष 24 घंटे 59 दिनों तक अखंड ओम नमः शिवाय के जाप से अभिमंत्रित किए जा रहे हैं। श्रावण माह के समापन अवसर पर यह रुद्राक्ष सभी श्रद्धालुओं को वितरित किए जाएंगे। इस अनोखे अनुष्ठान के माध्यम से एक शंकर से अनेक शंकर घर घर तक पहुंचेंगे। अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालु विशाल पासी का कहना है कि वह रोजाना यहां पहुंचकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और इस धार्मिक अनुष्ठान में अपनी आहुति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही यहां महिलाओं ने 11 लाख मिट्टी के पार्थेश्वर शिवलिंग बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए मातृशक्ति द्वारा रोजाना मिट्टी से पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण भी किया जा रहा है। मंदिर समिति की स्नेहा पाराशर ने बताया कि इस आयोजन को लेकर हम विगत 1 माह से तैयारियां कर रहे हैं, जिसके बाद यहां रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण तथा पूजन करने के लिए पहुंच रही हैं। नगर के अलग अलग क्षेत्र से रोजाना यहां मात्र शक्ति आती है और पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण तथा पूजन करती है। यह अनुष्ठान पूरे 59 दिनों तक जारी रहेगा।